नमस्कार नमस्कार, मैं रूपेश सिन्हा। आप सभी लोगों का सब एग्ज़ाम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ, है ना। देखिए, आज झारखंड सरकार युवाओं के लिए, है ना, झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार की चार योजनाएं को मंजूरी देगी। तो देखिए, ये योजनाएं क्या क्या है और कौन कौन सी है, आइए हम लोग जानते हैं। तो देखिए, झारखंड सरकार ने युवाओं की पढ़ाई के लिए और प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़ी चार योजनाओं पर मुहर, मतलब कैबिनेट के तरफ से इसको मंजूरी मिल चुकी है। यानी अब क्या है, तो 15 नवंबर झारखंड के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसमें देखिए मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नाम की चार योजनाओं, जिसमें आपका सारथी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना और गुरुजी स्टूडेंट कार्ड योजना को जारी किया जाएगा। तो ये योजनाएं क्या है, है ना, ये योजनाएं क्या है, तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखिए, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। मैंने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया है। तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, देखिए इसमें क्या है, तो शिक्षा ऋण की व्यवस्था की जाएगी। जो युवा पैसे की अभाव में डिप्लोमा, स्नातक, पीजी, पीएचडी नहीं कर पाते हैं, तो झारखंड सरकार उन लोगों के लिए 15 लाख तक का लोन देगी, है ना, 15 लाख तक का लोन देगी। और कोर्स पूरा होने के बाद 1 साल के बाद से ईएमआई देना होगा। और ब्याज की बाकी राशि कौन देगी, तो ब्याज की बाकी राशि सरकार देगी। तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना स्पेशली उन लोगों के लिए होगा जो डिप्लोमा, स्नातक, पीजी, पीएचडी रिसर्च करना चाहते हैं। दूसरी योजना की बात करें तो दूसरी योजना है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। ये भी देखिए झारखंड के वैसे छात्रों के लिए है जो सिविल सेवा, बैंक, रेलवे और एसएससी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको सालाना 27,000 को कोचिंग में मिलेगा, है ना, 27,000 रुपया सालाना उनको इन सब की तैयारी के लिए, जो यहाँ के गरीब युवा है उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 2500 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। प्रवेश परीक्षा, देखिए इसका जो चयन होगा या कैसा होगा, तो यह प्रवेश परीक्षा पर आधारित होगा। उसमें वैसे युवा शामिल होंगे जिनके अभिभावक आयकर दाता ना हो, मतलब इनकम टैक्स देने वाले नहीं हो, उन लोगों के परिवार को इसमें शामिल किया जाएगा। एकलव्य प्रशिक्षण योजना मतलब सरकार, है ना, सरकार सिविल सेवा, बैंक, रेलवे और एसएससी तैयारी करने के लिए छात्रवृत्ति देगी, है ना, छात्रवृत्ति देगी। और इसका चयन जो होगा यह प्रवेश परीक्षा पर आधारित होगा, ध्यान देंगे, है ना, यह इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सभी लोगों को इसमें नहीं शामिल किया जाएगा। वैसे लोग जो प्रवेश परीक्षा में,
है ना, जो प्रवेश परीक्षा में पास होंगे वैसे लोगों को इनको, है ना, वैसे लोगों को इनमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद बात करें तो मुख्यमंत्री सारथी योजना, इसमें प्रखंड स्तर पर युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग मिलेगा। सारथी योजना क्या है? तो रोजगार के लिए ट्रेनिंग यानी स्किल डेवलपमेंट। गैर आवासीय ट्रेनिंग में 1000, मान लीजिए अगर ट्रेनिंग करने के बाद भी जो असफल है, मतलब उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उनको 1000 रुपया यात्रा, है ना, देखिए यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग के 3 माह तक अगर रोजगार नहीं मिलता है तो 1 साल का प्रोत्साहन राशि, 1 साल का प्रोत्साहन राशि सरकार के तरफ से दिया जाएगा। इसमें युवाओं को 1000 तथा युवतियों और दिव्यांगों को, देखिए ध्यान देने वाली बात है कि युवाओं को 1000 तथा युवतियों और दिव्यांगों को 1500 रुपये, कितना, तो 1500 रुपये मिलेगा। मतलब देखिए जो युवक है उनको 1000 और जो युवती है और जो हैंडीकैप है उनको सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत 1500 रुपया मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चौथी योजना जो लॉन्च होगी तो चौथी योजना है शिक्षा प्रोत्साहन योजना, है ना। चौथी योजना क्या है? तो शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसमें 10वीं पास विद्यार्थियों को जो इंजीनियरिंग का तैयारी करना चाहते हैं, मेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं, क्लैट, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट और सीए, देखिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले साल 8000 छात्रों को जोड़ा जाएगा जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लेट, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट और सीए का तैयारी करना चाहते हैं। इन्हें देखिए हर महीना 2500 रुपया छात्रवृत्ति के तौर पर मिलेगी। और चयन कैसे होगा? तो प्रवेश परीक्षा के आधार पर इसका चयन होगा। कैसे चयन होगा? तो प्रवेश परीक्षा के आधार पर इसका चयन होगा, ठीक है। तो देखिए यह सभी योजना झारखंड के स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर, झारखंड के स्थापना दिवस 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल चुकी है ना, कैबिनेट से मंजूरी इसको मिल चुकी है। अब लॉन्च करने के बाद यह योजना झारखंड में लागू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए यह गरीब लोगों के लिए, है ना, गरीब लोगों के लिए जो उच्च शिक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और पैसे के अभाव में वह पीछे रह जाते हैं, तो सरकार उनके लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।